हे दोस्तों, 79% स्मार्टफोन यूजर्स सुबह उठने के 15 मिनट के अंदर ही अपना मोबाइल फोन यूज करने लगते हैं। वो पहले किसी से बात करना या ब्रश करना इतना जरूरी नहीं समझते जितना अपने मोबाइल में आए अलग अलग नोटिफिकेशंस को चेक करना जरूरी समझते हैं। और इन्हीं 79% लोगों में मैं खुद भी आता हूँ। वेल, ये तो मानना ही पड़ेगा कि हमें इन बड़ी कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट की आदत लगा दी है। हम उनके हुक में फंस चुके हैं, एडिक्टेड हो गए इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के। बस कुछ मिनट यूज करेंगे ये सोचकर हम इंटरनेट स्टार्ट करते हैं, बट फिर एक बार जब हम यूज करने लगते हैं तो फिर घंटे निकल जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन ऐसा क्यों है? आखिर इतना एडिक्टिव क्यों है सोशल मीडिया, इंटरनेट या गेम्स एक्सेट्रा? आज यही सारी चीजों के सीक्रेट्स एंड टेक्निक्स आपको पता चलेंगे। ऑथर जब गेमिंग और एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में काम करते थे तब वो ये सोचते थे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक तरफ कुछ कंपनीज मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करती है अपने ऑसम प्रोडक्ट बेचने के लिए, जबकि दूसरी तरफ कुछ कंपनीज वर्चुअल गेम के अंदर की चीजों को बेच के उससे मिलियंस कमा लेते हैं। मैंने खुद अभी रिसेंटली एक अनबिलीवेबल फैक्ट का पोस्ट देखा FB पे, जिसमें बताया गया था कि EA गेम्स वाले अपने नीड फॉर स्पीड नो लिमिट में पैसे चार्ज करेंगे गेम के अंदर मिलने वाले पेट्रोल के लिए, जो उसमें कार्स चलाने के लिए यूज होगा। और ये चीज को पढ़ के बहुत से लोग कमेंट में गुस्सा कर रहे थे कि लोग इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं कि गेम के अंदर मिलने वाले पेट्रोल के लिए पैसे देंगे, पागल लोग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट सच बोलूं तो उनमें और हमें ज्यादा फर्क भी नहीं है, और ये कोई न्यू चीज भी नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में गेम्स के अंदर वर्चुअल चीजों को बेचकर तो कंपनीज कितने पहले से करोड़ों कमा रही है। सो इसीलिए इधर आप सबका क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि लोग इतने बेवकूफ क्यों है जो ऐसे पैसे दे देते हैं, बल्कि आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि कंपनीज इतनी स्मार्ट कैसे है कि वो वर्चुअल चीजों को बेचकर पैसे कमा रही है। उन्होंने क्या टेक्निक्स यूज करके ऐसा पॉसिबल कर पाया है, इसके पीछे की साइंस क्या है, कैसे लोग इतने एडिक्टेड हो जाते हैं उनके प्रोडक्ट्स और गेम्स के कि फिर वो अपने टाइम के साथ साथ पैसे देने के लिए भी रेडी हो जाते हैं, और कैसे हम भी उनसे सीख के खुद अपने या अपने बिजनेस के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। अभी अगर आपको इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करने में इंटरेस्ट है तो आज की इस अमेजिंग बुक समरी से मैं आपको इसके ही कुछ आंसर्स बताऊंगा। सो लेट्स बिगिन। वेल, सबसे बड़ा रीजन जिसकी वजह से हम ना चाहते हुए भी घंटों बिता देते हैं इंटरनेट पे, वो और कुछ नहीं बल्कि होता है हमारी ह्यूमन हैबिट्स की वजह से। देखो, हर दिन हम जितने भी काम करते हैं उनमें से 40% काम हम अपनी आदतों की वजह से करते हैं, और इसी चीज को समझते हुए बड़ी बड़ी कंपनीज हमें मैनिपुलेट कर पाती है एक कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए, जिसे ऑथर बोलते हैं हुक। ऑथर बोलते हैं कि हर एक अच्छी चीज जो बार बार इस हुक साइकिल से गुजरती है वो ना चाहते हुए भी फिर हमारी आदत बन जाती है, और बस जब कोई चीज हमारी आदत बन जाती है तो फिर उस चीज को करने के लिए हम टाइम, पैसे, एनर्जी के बारे में नहीं सोचते, और बिना वो चीज करे फिर रह भी नहीं पाते। इसीलिए बड़ी कंपनीज हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट बनाने के लिए इसी हुक मॉडल का यूज करती है, जो चार पार्ट से बना है, या आप बोल सकते हो इसमें चार फेज है, जिसमें से ही बार बार गुजर के लोग उस प्रोडक्ट के एडिक्ट हो जाते हैं। अब चारों में से पहला फेज है ट्रिगर। जैसे कि गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी लगानी पड़ती है, वैसे ही हुक सिस्टम का साइकिल स्टार्ट करने के लिए एक ट्रिगर की जरूरत होती है। ट्रिगर लोगों को बताता है कि उन्हें नेक्स्ट एक्शन क्या लेना है। वो एक रिमाइंडर जैसा काम करता है जो मिलने के बाद लोगों को प्रोडक्ट के बारे में याद आता है और वो उसका यूज करते हैं। एग्जाम्पल, जब YouTube के किसी वीडियो का लोगों को नोटिफिकेशन आता है तो बहुत से लोग उस नोटिफिकेशन से जाके वीडियो को देखते हैं और उसके बाद फिर दूसरे वीडियोस भी देखने लगते हैं। ये एक्सटर्नल ट्रिगर का एग्जाम्पल है। यूजुअली ट्रिगर दो टाइप के होते हैं, पहला एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। जो ट्रिगर किसी और की वजह से आते हैं, ना कि आपके खुद के ब्रेन से, वो समझो एक्सटर्नल ट्रिगर्स होते हैं। इनमें भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि पेड ट्रिगर्स, मतलब ये ट्रिगर्स खरीदे जाते हैं, एग्जाम्पल एडवर्टाइज, SMS एक्सेट्रा। फिर होते हैं अर्नड ट्रिगर्स, जो PR एक्टिविटी, कैंपेन, इवेंट की हेल्प से मिलते हैं। फिर होते हैं रिलेशनशिप ट्रिगर, जहां लोग, आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव आपको रिफर करते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में। और लास्ट यहां है ओन ट्रिगर, जब यूजर को आपके ऐप का आइकन दिखता है उनके मोबाइल पर जो उन्होंने डाउनलोड किया होता है, और उसे देखकर फिर अगर वो आपका ऐप यूज कर रहे हैं तो वो है ओन ट्रिगर का एग्जाम्पल। अब यूजुअली सारे अलग अलग नोटिफिकेशन इन्हीं एक्सटर्नल ट्रिगर के एग्जाम्पल होते हैं। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि ज्यादातर कंपनीज इन एक्सटर्नल ट्रिगर्स पे खर्च करती है, फोकस करती है, जबकि इंटरनल ट्रिगर इनसे कई गुना ज्यादा पावरफुल और जरूरी होते हैं हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट बनाने के लिए। सो अब आते हैं इंटरनल ट्रिगर्स पे। इंटरनल ट्रिगर्स उसे बोलते हैं जो एक यूजर या कस्टमर्स को अपने आप आता है, जहां यूजर का ब्रेन ही उन्हें प्रोडक्ट के बारे में याद दिलाता है और उसे यूज करने के लिए एनकरेज करता है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है इंस्टाग्राम। जब भी किसी इंस्टाग्राम यूजर को लगता है कि उनकी लाइफ में कोई अच्छा या स्पेशल लम्हा आया है और कोई बात कैप्चर करने लायक है, तो यूजर फौरन उसे क्लिक करके इंस्टाग्राम पे स्टोर कर लेता है, जिसे उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने उस अच्छे टाइम को कैप्चर करके रख लिया है और अब वो उस लम्हे को हमेशा के लिए कभी नहीं खो देंगे, जो उन्हें इमोशनली अच्छा फील कराता है। फिर धीरे धीरे ये चीज आदत बन जाती है और लोग हर छोटी बात को कैप्चर करके शेयर करने लगते हैं। इसीलिए एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखो, आपका भी प्रोडक्ट ऐसा ही होना चाहिए जो यूजर्स को अच्छा फील कराए इमोशनली या उनका कोई पेन कम करे। स्टार्ट में यूजुअली किसी भी ऐप या प्रोडक्ट को एक्सटर्नल ट्रिगर से ही फैलाना पड़ता है,
बट एम ये होना चाहिए कि फिर लोग इंटरनल ट्रिगर्स की वजह से ही अगेन एंड अगेन आपका प्रोडक्ट यूज करे, ना कि हमेशा एक्सटर्नल ट्रिगर पर डिपेंड रहे। इंटरनल ट्रिगर तक पहुंचने के लिए ये जरूरी है कि आप यूजर के किसी पेन को कम करो या जरूरत को पूरा करो। एग्जाम्पल, यूट्यूब बोर होने वाले इमोशन को खत्म करता है, फेसबुक लोनलीनेस को खत्म करता है, और गूगल कन्फ्यूजन और क्यूरियोसिटी को। ऐसे ही आपका भी प्रोडक्ट कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए या अच्छा फील कराना चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें अच्छा फील नहीं होगा आपका प्रोडक्ट यूज करके, तो फिर कुछ भी कर लो, आपका हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट बनाना पॉसिबल नहीं होगा। ट्रिगर के बाद आता है फेज टू या स्टेप टू, जो होता है एक्शन। व्हाट्सएप से पहले भी कई मैसेंजर ऐप अवेलेबल थे मार्केट में, जिसके हेल्प से लोग फौरन अपने कॉन्टैक्ट को मैसेज भेज सकते थे। लेकिन जो चीज ने व्हाट्सएप को इन दूसरे ऐप से अलग करके इतना बड़ा हिट बनाया, वो थी उसकी सिंप्लिसिटी। व्हाट्सएप बहुत ही सिंपल और इजी टू यूज है, जिसके लिए यूजर को ना के बराबर एक्शन लेने की नीड पड़ती है स्टार्ट में। हुक मॉडल का सेकंड स्टेप है एक्शन। ट्रिगर मिलने के बाद जो चीज सबसे जरूरी है एक हैबिट बनाने के लिए, वो है एक्शन। बिना एक्शन के हैबिट नहीं बन सकती, और एक्शन यूजर तभी लेगा जब उन्हें एक्शन लेने पर कुछ रिवॉर्ड मिले। रिवॉर्ड भी बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, जो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। बस मेन बात यह है कि जितने इजी एक्शन लेके उन्हें जितना ज्यादा अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे, उतना ज्यादा वो आपके बताए एक्शंस को करेंगे और हैबिट फॉर्म होगी। वही व्हाट्सएप के एग्जांपल से बताऊं तो, जहां एक तरफ दूसरे सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए आपको लॉगिन, पासवर्ड ये सब का झंझट पालना पड़ता था पहले, वही दूसरी तरफ व्हाट्सएप के लिए आपको बस एक बार अपना फोन नंबर डालने की नीड थी, और बस फिर जितना चाहे और जब चाहे उतना मैसेज करने का रिवॉर्ड आपको मिल जाता। यही एकदम सिंपल, इजी, कम ब्रेन पावर और फ्री नेचर ने व्हाट्सएप को इतना हिट बनाया। इसलिए आप भी अपने प्रोडक्ट या सर्विस को जितना हो सके यूजर के लिए उतना सिंपल रखो। नंबर 3, रिवॉर्ड। अगर मैं आपके सामने एक नॉर्मल फ्रिज रखूं और बोलूं इसे खोलो, देखो अंदर क्या है, और बंद करो, फिर खोलो, देखो, बंद करो, और ऐसे ही करते रहो जब तक तुम्हारा मन करे, तो आप ऐसा कितनी बार करोगे बोर होने से पहले? शायद कुछ टाइम, मे बी। लेकिन अब समझो, मैंने आपके सामने एक ऐसी फ्रिज रख दी है जिसे आप जितनी बार खोलोगे उतने टाइम उसमें अलग अलग तरह के डिलीशियस खाने पीने की चीजें आपको मिलेगी। तो अब आप ऐसी फ्रिज को आई एम श्योर मेरे बिना बोले भी खोलते रहोगे बार बार। नेक्स्ट क्या मिलेगा इसी एक्साइटमेंट के साथ। हुक मॉडल का थर्ड स्टेप होता है रिवॉर्ड। कोई भी एक्शन लेने के बाद इंसान रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करता है, और रिवॉर्ड अगर उसे नहीं मिले तो वो एक्शन नहीं लेगा, बोर भी हो जाएगा। इनफैक्ट इतना ही नहीं, अगर हमें रिवॉर्ड में हर बार सेम ही चीज मिलेगी नॉर्मल फ्रिज की तरह, तो भी हम उससे बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि यूजर को वेरिएबल और अलग अलग तरह के रिवॉर्ड मिलते रहे, ना कि बस एक टाइप की चीज। एग्जाम्पल, फेसबुक इतना एडिक्टिव इसीलिए है क्योंकि जब आप न्यूज फीड पे जाके एक एकदम सिंपल एक्शन लेते हो, मतलब उंगली चलाते हो, तो आपको अलग अलग तरह की चीजें दिखने लगती है। कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ नॉट इंटरेस्टिंग, कुछ खराब, अच्छी, अलग अलग पिक्स, वीडियो, स्टेटस और पता नहीं क्या क्या मिलता रहता है आपको बस उंगली फ्लिक करके। और इन्हीं वेरिएबल रिवॉर्ड मिलने के लिए लोग फिर घंटों तक FB पे अटक जाते हैं। सेम इसी तरह अगर आपको भी हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट बनाना है, तो आप अपने प्रोडक्ट में नॉवेल्टी रखो, हर बार एक ही टाइप की सेम चीज मत दो, थोड़ा वेरिएशन रखो, वरना यूजर बोर हो जाएंगे। फेज 4, इन्वेस्टमेंट। कभी आपने सोचा है कि वीडियो गेम्स इतने एडिक्टिव क्यों होते हैं? लोग उसे इतना ज्यादा बार बार क्यों खेलते हैं? पहले इसके बहुत से रीजंस हैं जो बुक में बताए गए हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि लोग गेम खेलते हुए बहुत इन्वेस्टमेंट कर देते हैं उस गेम में। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि गेम तो यूजुअली फ्री होता है, तो इन्वेस्टमेंट कैसा? वेल, इन्वेस्टमेंट यूजुअली पैसों का नहीं होता, बट दूसरी रिसोर्सेज का होता है, जैसे कि टाइम का, एनर्जी का। लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं अपनी अचीवमेंट्स को बढ़ाते बढ़ाते, अपने लेवल को बढ़ाने के लिए वो इतना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट कर देते हैं कि उनके लिए फिर वो गेम को छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, और वो उसे खेलते ही रहते हैं। नहीं खेलेंगे तो सब वेस्ट हो जाएगा, ये सोचते हुए। ट्रिगर, एक्शन, रिवॉर्ड, इन तीन फेज के साथ जो एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एडिक्टिंग प्रोडक्ट बनाने के लिए जरूरी है, वो है यूजर का इन्वेस्टमेंट। जितना ज्यादा यूजर्स अपने अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज, जैसे कि टाइम, एफर्ट, डेटा, सोशल करेंसी एक्सेट्रा इन्वेस्ट करेंगे, उतना ज्यादा वो आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड और एडिक्ट होंगे। एग्जाम्पल, फेसबुक पे आते साथ उसमें लोग इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। वो अपनी फ्रेंड लिस्ट बढ़ाने लगते हैं, प्रोफाइल भरने लगते हैं, अच्छे फोटो और दूसरी चीजें डालने लगते हैं, जो सारी चीजें उनका एक तरह का इन्वेस्टमेंट होता है। मेल साइट्स का भी ऐसा ही है। जब लोग किसी ईमेल साइट जैसे कि जीमेल या याहू का यूज करने लगते हैं, फिर जितने उन्हें इंपॉर्टेंट मेल्स उस आईडी पे आने लगते हैं, सेव होने लगते हैं, उतना वो उस मेल साइट पे डिपेंड होते जाते हैं और फिर स्विच नहीं करते। एक और अच्छा एग्जांपल है QWERTY कीबोर्ड का। आज ऐसे कई बेटर कीबोर्ड ऑप्शन अवेलेबल है लोगों के लिए, जो स्पेसिफिकली उनकी टाइपिंग स्पीड और एफिशिएंसी को बढ़ा सकता है, बट स्टिल लोग QWERTY कीबोर्ड का ही यूज करते हैं, क्योंकि इसे सीखने में उन्होंने अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करी होती है, जो सारी वेस्ट हो जाएगी अगर वो दूसरे कीबोर्ड पे स्विच करते हैं तो। और ऐसा करने में मेहनत भी ज्यादा लगेगी, एटलीस्ट स्टार्ट में। इसलिए आज भी कोई QWERTY कीबोर्ड को छोड़कर किसी दूसरे कीबोर्ड डिजाइन पे स्विच नहीं करता। सो आपका भी प्रोडक्ट या सर्विस ऐसा ही होना चाहिए, जहां लोग अपने कुछ तो रिसोर्स इन्वेस्ट करें। जितना ज्यादा उनका इन्वेस्टमेंट होगा आपके प्रोडक्ट या सर्विस में, उतना ज्यादा वो आपके प्रोडक्ट की वैल्यू करेंगे और उसे यूज करते रहेंगे।
अभी अगर आपको अपनी कोई भी बुरी हैबिट जैसे कि इंटरनेट का यूज करना घंटों तक, जंक फूड खाना या ऐसा कुछ खत्म करना है, तो आप मेरा ये वीडियो जरूर देखो जिसका नाम है हाउ टू गेट रिड ऑफ बैड हैबिट्स। इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आप कैसे कोई भी बुरी आदत खत्म कर सकते हो और दूसरी तरफ कैसे आप कोई भी न्यू अच्छी हैबिट फॉर्म कर सकते हो। सो अप टू एंड, ये थी बस कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस अमेजिंग बुक हुक्ड बाय नीर ईएल से। इस बुक में बिजनेस और हैबिट से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सीखने लायक बातें हैं। सो अगर आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है और आपको एक एडिक्टिव प्रोडक्ट या सर्विस क्रिएट करना है फेसबुक गूगल इंस्टाग्राम जैसे, तो आपके लिए इस बुक को पढ़ना बहुत जरूरी है। अभी के लिए अगर आप इस बुक की फ्री ऑडियो बुक लेना चाहते हो तो आप seeken.in/free audiobook से जाके ले सकते हो, या उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दी है। और अगर आपको इसकी फिजिकल बुक खरीदनी है तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। और अगर आप मेरे वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते या मेरे चैनल और ऐसे टाइप की इन्फॉर्मेशन बुक समरी वीडियो को सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें। इसे जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा, जो मैं हर हफ्ते संडे को डालता हूं, तब आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। हाँ, लेकिन नोटिफिकेशन आने के लिए आपको सेंड ऑल नोटिफिकेशंस पे भी क्लिक करना है। शेयर करें इस वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पे, ताकि दूसरी भी ऐसी यूजफुल बातें सीख पाए और उनमें बुक्स पढ़ने का शौक पैदा हो, जिससे हम सब आगे बढ़ेंगे और हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।